अस्सलाम वालेकुम जी, आपको लग रहा होगा पता नहीं आपकी बहन अंडे बेचने लगी है, लेकिन जी ये आ गए हैं मेरे सवाद से नानके से देसी अंडे, क्योंकि वहाँ के तो अंडे भी क्या ही बात है। यहाँ तो अब जो मतलब हमारे शहरों में मिलते हैं ना, वो तो कोई पता नहीं है, सारे गोल्डन मुर्गियों के अंडे हैं। और बस फिर आपको पता है बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो जनाब बच्चों की आपस में होती है इतनी लड़ाई कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। इसीलिए मैंने उसका हाल ये ढूंढा और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ कि बच्चों को ना अपने साथ किचन में कामों पर लगा लें, बेस्ट तरीका है भाई। मैंने तो अपने बेटे को बुलाया और मैंने कहा आके ना तो मेरे साथ सैलड बनाओ, और वो बड़ा खुशी खुशी और उसने ना बड़ी खुशी खुशी आकर ना सैलड बनाई और मेरे साथ ही फिर किचन में लगा रहा, और साथ साथ मैंने थोड़ी रिकॉर्डिंग की। मैं सिर्फ इसको बताती रही हूँ, और इतना अच्छा उसने सैलड तैयार किया, फ़र्स्ट टाइम ज़िंदगी में ना लगा ले मैंने किचन में उसे कुछ करवाया, और मैं इतनी खुश हो रही थी कि कितने अच्छे तरीके से वो कर रहा है। और ये देखें जी, ये सैलड बाय यान है, टोटल कटिंग से ले कर मिक्सिंग हर चीज़ उसने की। बस फिर जी ये देखिए, मैं साथ साथ रोटी पकानी शुरू कर दी। मैं बना रही थी माश की दाल, अब उसकी रेसिपी क्या शेयर करनी भाई, सब लोगों को आती है तकरीबन। और बस फिर यान कहता है मामा ठहरे ठहरे, इतनी अच्छी फूल रही है, मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ। तो ये वीडियो वो बना रहा था, वरना हम लोग तो स्टैंड पे लगा देते हैं तो ऐसी फोकस वाली वीडियो नहीं बनती। और यहाँ पर मैं लगा रही थी मक्खन, तो कहता है नहीं मैंने लगाने हैं आज, बस इसको फुल चौक चढ़े हुए थे मेरे साथ काम करने के। और अच्छा भी रहा कि काफ़ी घंटे जो है ना सुकून रहा। मैंने तो बस सोच लिया कि बच्चों को ना सात बंदा कामों पर लगा ले, उसके बाद शाम को मैंने इनको फ्राइज़ पकड़ा दी काटो भाई सारे मिल के, तो यकीन करें बड़ा सुकून रहा है, वरना तो छुट्टियों में कुछ ना पूछें। और बस जी जहाँ तक बात रही शादियों की, अब आजकल जो है ना शादियाँ सर पे आने लगी हैं बिल्कुल एंड टाइम। तो आजकल डेली जो मेरा व्लॉग नहीं ना सही तरह अपलोड हो रहा, मतलब हो जाता है लेकिन डेली वीडियोस नहीं आ रही, वो इसलिए क्योंकि शॉपिंग आना जाना बड़ा ना टाइम जो है ना बिजी रहा है। तो आपको पता है कि शादियाँ आ जाए कुछ ना कुछ तो ख़त्म हुआ ही रहता है, बंदा जो मर्जी भी है ना। तो बस फिर सबसे पहले निकली, ये कहती हैं हम लोगों को ड्रेस लेनी है, हमें नहीं पता। फिर मिनी माइनर गई, वहाँ से मुझे मेरा मिल गया, वापस आई तो जी इन्होंने अपने ऑर्डर करवाया, कहता मैंने पिज़्ज़ा खाना है। तो ये दो दिन के मिक्स व्लॉग्स होंगे, यहाँ पर ये एक व्लॉग ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट डे मैं अपने ना ये अयान की यानी बाबा के साथ अपने हस्बैंड के साथ निकल गई बाहर। और हमने जाना था क्रीम ब्लॉक, आप लोगों को मैं क्रीम ब्लॉक दिखाती हूँ लाहौर में क्या ज़बरदस्त जगह है यार। यहाँ पर ना मीन्स आपको हर ब्रांड जो है ना आउटफिटर ब्रेकआउट यानी सब टोटल रियलिटी वगैरह मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को फैक्ट्री आउटलेट्स मिलेंगी जिस पर हर टाइम यानी 40-50% ऑफ होता है। और वहाँ पे जाने से पहले लग गई भूख, तो हमारा फेवरेट स्पॉट आइसलैंड है, वहाँ से मैंने पकड़ी पापड़ी चाट और इनके बाबा ने खाई वो सैलड वगैरह। बच्चों को साथ इसलिए नहीं लाया क्योंकि क्रीम ब्लॉक में इतना रश होता है ना कि बच्चे बहुत थक जाते हैं। यहाँ पर ना पार्किंग होती है ना, मतलब बंदा ना बच्चों को कहीं बिठा सकता है ना कोई मतलब फूड एरिया टाइप नहीं है, ये तो बाजार है बाकायदा। और ये देखिए आपके लेफ्ट राइट पर आपको सारे बड़े ब्रांड्स नज़र आएंगे, तो ये सब जो है ना ये फैक्ट्री आउटलेट्स और इतनी ज़बरदस्त इनमें कलेक्शन होती है। बस क्या होता है कि जो मेन जगह पे यानी मेन आउटलेट्स में वो फुल प्राइसेस पे होते हैं, यहाँ 40 फ्लैट 30 फ्लैट 70 चलता ही रहता है। और ज़बरदस्त आप लोग देखेंगे कि एक दफ़ा जो जो क्रीम ब्लॉक जाएगा ना उसको ऐसी आदत लगेगी वो दोबारा इधर ही जाएगा। और जी यहाँ पर ब्रेकआउट हम ऊपर पहुँच गए तो मुझे मेरी बेटियों का साइज़ नहीं मिला क्योंकि सेल इतनी रहती है कि सेल में साइज आउट हो जाता है, लेकिन मुझे यहाँ से शूज़ मिल गए। अब मैं आप लोगों को जो जो खरीदा जो जो पहना इंशाल्लाह शादियों पे साथ साथ दिखाऊंगी भाई, पहले रिवील कर दूंगी तो मज़ा तो नहीं ना आएगा शादियों पे फिर देखने का। तो इंशाल्लाह शादियों के सारे स्टफ और शादी के बाद मैं आप लोगों के साथ अपनी आउटफिट वीडियोस भी शेयर करूंगी, बल्कि सूट कलेक्शंस और मतलब डिज़ाइनिंग कलेक्शंस वगैरह सब शेयर करूँगी। बस फिर यहाँ पर हम लोगों ने नीचे मेरा यानी मेन्स और वुमेंस पोर्शन होता है, और ऊपर फिर ना ये था बच्चों वाला। यहाँ पर थोड़ा सा व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि हम चीज़ें देखने लग गए थे, तो फिर मैंने कहा देखा तो भाई इनका साइज़ ही नहीं मिला जो मुझे पसंद आया, शूज़ मिले तो उसका हम लोगों ने करवाया बिल और निकले वापस। और बड़ा फिरे यकीन करे थक गए, आई तो जी ये नई और जी ये कनौर की नई मुसीबत आई है, फ्यूज़न के नाम से उन्होंने रामेन की कॉपी की है लेकिन इंतहाई गंदी, और मैं सबको कहूँगी कोई बाय ना करे, यकीन करें मेरे पैसे भी ज़ाया हुए हैं। और इतनी स्मेल है इसकी कि पता नहीं किस चीज़ की गंदी स्मेल है। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में, टिल देन टेक केयर।